नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑफिशियल साइट पे, तो हम क्रोम या गूगल पे सर्च करेंगे mjpru.ac.in। उसके बाद हमारा जब नया इंटरफेस खुलेगा, फिर हम नीचे आएंगे, नीचे अपडेट लेटेस्ट अपडेट में देखेंगे, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा, इसके बाद हम देखेंगे ऑनलाइन मैन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस खुलेगा, और इससे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपना फॉर्म कैसे रीप्रिंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, आप अपना पेमेंट स्टेटस कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जाएंगे, यहाँ पे दो आएंगे, एडमिट कार्ड 2018-19 के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके, और एडमिट कार्ड 2019 और 20 के। तो हम 19 और 20 पे क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे मांगेगा फॉर्म नंबर, और यहाँ पे होगा फीस पहले से होगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 20 को नहीं लिखना है, उसके बाद का सारा लिखना है, कैप्चा एंटर करना। अब यहाँ पे मैंने अपना पूरा फॉर्म नंबर डाल दिया है, अब देखते हैं इसमें 20, इस 20 को हटा देते हैं। इसके बाद हम कैप्चा भरेंगे, कैप्चा है PB4V, सर्च पे क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग होगी, और जैसे ही प्रोसेसिंग के बाद हमारा एक नया इंटरफेस खुलेगा और हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री मेडिवल, पहला पेपर 3 को है, 5 को है, 6 को है, 16 को है। तो इस तरह से आप BA, MA, BCom, BSc, MSc किसी भी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास फॉर्म नंबर नहीं है, फॉर्म नंबर को कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो में मैं भी बता देता हूँ फॉर्म नंबर कैसे प्राप्त। यहाँ पे एडमिट कार्ड पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड के 19 और 20 पे जब क्लिक करेंगे, तो हमारा इंटरफेस, अब यहाँ पे फॉर्म नंबर मांग रहा है। अगर आपके पास फॉर्म नंबर नहीं है, आपका फॉर्म नंबर खो गया है, तो हम यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे अपना फॉर्म नंबर जानने के लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो भी जानकारी मांगी जाए आप उसको फिल करके, यहाँ पे कॉलेज का नाम फिल करके, यहाँ पे कोर्स आप कौन सा कर रहे हैं, आप जेंडर, कैंडिडेट्स नेम, और यहाँ पे कैप्चा करके, और यहाँ सर्च करेंगे तो आपका फॉर्म नंबर आ जाएगा, माता का नाम, पिता का नाम, फॉर्म नंबर, सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे एडमिट कार्ड में, और यहाँ पर से अपना फॉर्म नंबर डालकर और सबमिट करके सर्च कर देंगे, हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और इसमें ये ध्यान रखें कि यहाँ पे 20 छोड़ के ही आप अपना फॉर्म नंबर इंटर करें, नहीं तो आपका फॉर्म नंबर एरर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।